वेलकम, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुपरस्टार का दर्जा हासिल किए एक्टर रजनीकांत को सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सुपरस्टार रजनीकांत को मई के महीने में 3 तारीख को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह सीने जगत से जुड़ा हुआ अवार्ड है। 5 लोगों की ज्यूरी ने सामूहिक रूप से रजनीकांत के नाम का फैसला किया। इसमें राजनीति कहां से आ गई, सवाल सही पूछा कीजिए। इससे पहले जावड़ेकर ने रजनीकांत के फिल्म जगत में किए गए योगदान की चर्चा की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। यही कारण है कि इस बार दादा साहेब फाल्के की ज्यूरी ने रजनीकांत को यह अवार्ड देने का फैसला लिया गया है। 5 लोगों की ज्यूरी ने एक मत से यह फैसला किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही रजनीकांत ने अपनी सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से बात भी की थी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए रजनीकांत राजनीति में आने की अपनी योजना टाल दी थी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।